हेलो स्टूडेंट स्वागत है टारगेट विद आलोक प्लेटफॉर्म में और मैं इंजीनियर यू के रावत सीनियर फिजिक्स फैकल्टी टीजीटी पीजीटी और हायर एजुकेशन टीचिंग जॉब के लिए जैसा कि पिछले सालों में हम इस प्लेटफॉर्म में एक बेहतरीन टीम के साथ काम कर रहे हैं और सभी साइंस सब्जेक्ट में सभी सीनियर फैकल्टी टीचिंग जॉब के लिए तैयारी करवा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट दिए हैं आज हम आपको बताएंगे एक टीजीटी पीजीटी और भी टीचिंग एग्जाम के लिए एक फिजिक्स सब्जेक्ट जो कि मैं फिजिक्स सब्जेक्ट सीनियर फैकल्टी हूं टारगेट विदालोक में और आज बताया जाएगा कैसे हम फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं और कैसे हमारा एक फिजिक्स सब्जेक्ट एक जैसे होता है कि हर सब्जेक्ट को एक पढ़ने का एक अलग कंसेप्ट होता है क्योंकि एक फिजिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा है कि इसमें सेमी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी कहलाता है और एक कंसेप्ट बेस सब्जेक्ट होता है तो आज पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो आज कुछ अनुभव से हम आज को बताएंगे बेसिक कंसेप्ट कि फिजिक्स की तैयारी कैसे बच्चों शुरू करते हैं कैसे आपको पढ़ना है और कैसे एग्जाम इजिली क्रैक कर सकते हैं यदि एक प्रॉपर वे में आप प्रोपेशन करके जैसा कि टी जी एक तैयारी एक लॉन्ग प्रोसेस होती है इसमें एक तैयारी का एक सही एक सीक्वेंस होता है और ये भी है आप कोई भी एग्जाम को हड़बड़ी में पढ़ते हैं तो होता क्या है बहुत लेबर करते हैं स्टूडेंट लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं आता जैसे आना चाहिए आउटपुट तो आज हम कुछ ऐसे कंसेप्ट देने जा रहे हैं कि कैसे हम फिजिक्स सब्जेक्ट की एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं जिससे टी जी टी पी जी टी अन्य एग्जाम को आसानी से क्रेक कर सकते हैं देखिए पहला हम ये बताएंगे पहले आप जिस एग्जाम को दे रहे हैं उसके लिए एक सिलेबस होता है आपके पास सिलेबस होना चाहिए ठीक है तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट का टीजीटी का सिलेबस है एक पीजीटी का सिलेबस है स्टूडेंट पहले आपको एक सिलेबस रखना है क्योंकि हर एग्जाम का अलग अलग सिलेबस होता है दूसरी चीज फिर दूसरी चीज यह होती है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं और दूसरी चीज आपको यह देखना है कि लेटेस्ट क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे आ रहा है और कैसे कौन से चैप्टर कैसे एक क्वेश्चन का नंबर्स किस क्वेश्चन से ज़्यादा बेटेज है आप उसको आपको पहले देख लेना चाहिए तैयारी के पहले है फिर आप जब फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स एक पढ़ने का एक सिक्वेंस होता है जब आप टीजीटी पीजीटी आप तैयारी शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं स्टूडेंट जो कॉमन चैप्टर है टीजीटी पीजीटी या अदर कंपटीशन एग्जाम है तो कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं और सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट कि आपका ये एग्जाम का पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है कि हमें चार ऑप्शन होंगे और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही चुनना है तो इसके लिए हमें अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पढ़ते हो तो आपके अनुसार ऑप्शन आपको मिल जाए तो ये आपको अप्रोच है सही अप्रोच बनाकर आप इस एग्जाम में चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आप सही चूज कर सकते हैं और इसमें यह भी मैटर करता है स्टूडेंट कि कभी कभी चार ऑप्शन में हम ऑप्शन से ही आंसर निकाल लेते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट कॉमन टॉपिक है आज बताएंगे जो हमें वो टॉपिक को अच्छे से हम क्लियर करके टाइम मैनेजमेंट और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं कि वो टॉपिक पहले हमें पढ़ना चाहिए कोई भी टॉपिक है कोई भी फिजिक्स का पूरा सिलेबस है हाँ सिलेबस दिया रहता है मिक्स रहता है कई स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कि कौन सा टॉपिक हमें पहले पढ़ना है जिससे वैसे होता है जैसे फिजिक्स में यू हैव टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जैसे छत में चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ रहती हैं स्टूडेंट ऐसे फिजिक्स की जो स्ट्रेटजी है टीजीटी पीजीटी ऐसी बनाई जाती है कि पहला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा फिर इसके बाद कौन सी आज इसी में हम विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि कैसे हमारा पिछले कई सालों का अनुभव से कैसे आसानी से हम एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल एक कला डेवलप कर सकते हैं साथ साथ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं जिससे हमारी एक निरंतर तैयारी चलेगी क्योंकि टीजी टी पीजीटी एक लॉन्ग प्रोसेस होती है ठीक है तो पहले आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए सिलेबस होना चाहिए ठीक है फिर एग्जाम पैटर्न एग्जाम पैटर्न होता है एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप है ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप और स्टूडेंट जैसा कि फिजिक्स आप जो भी पढ़े हैं आप प्रीवियस जो कन्वेंशनल एग्जाम है अकॉडमिक आप पढ़ते हैं ज्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप देकर आते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कभी कभी आपको कंसेप्ट क्लियर है नॉलेज अच्छा है लेकिन आप एक का टाइम मैनेजमेंट आपका पुअर होने के कारण क्वेश्चन छूट जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अप्रोच बनाना पड़ेगा अप्रोच आप जितनी भी आप फिजिक्स की बुक्स देखते हैं उनमें से आप नोटिस करेंगे पहला आपका अप्रोच होता है बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स अप्रोच ये बहुत जरूरी है बेसिक मैथमेटिक्स एक कहते भी है मैथमेटिक्स इज ऑफ़ फिजिक्स आप देखेंगे हम ऐसे कहेंगे बेसिक मैथमेटिक्स तो कहेंगे सर ये तो मैथ सब पार्ट है और कैसे हमारे फिजिक्स में ये इन्वॉल्व हो सकती है तैयारी में बिल्कुल ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसे इसमें कंसेप्ट है जो ऑप्शन आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं इजीली आप एसेस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए हम आपको यह बताएंगे पहले हम कॉमन टॉपिक बता दें यह पहला टॉपिक होता है फिर इसके बाद एक बैक्टर है बैक्टर अप्रोच जरूरी है और एक होता है मेजरमेंट मेजरमेंट जिसमें यूनिट डायमेंशन बीमा और मातृजा ये ऐसे तीन टॉपिक होते हैं कोई भी टीजीटी पीजीटी या अदर कंपटीशन एग्जाम में फिजिक्स सब्जेक्ट में ये तीनों जो टॉपिक है ये कामन होते हैं कॉमन होते हैं कामन का मतलब है आप चाहे आप मैकेनिक्स से शुरू करें और जाकर आप मॉडर्न फिजिक्स तक जाते हैं हर चैप्टर में स्टूडेंट ये तीन टॉपिक आपको ए, कामन रहेंगे आपको हर चैप्टर में इसके क्वेश्चन बनते हैं और इसका यूज होता है जैसा कि आपका हर टॉपिक में क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके मात्रक बीमाएँ हमेशा बनती हैं और मात्रक बीमाओं के क्वेश्चन जरूर आते हैं ऐसे शुरू शुरू में जैसे मात्रक बीमा यूनिट डायमेंशन आप करोगे तो आपके समझ में नहीं आता जब आप होल फिजिक्स पूरा फिजिक्स कवर कर लेते हैं स्टूडेंट तो आपको समझ में आता है कि आपके फार्मूला होता है और फार्मूला से क्या करते हैं एक भौतिक राश एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और बीमा निकालने में आसान हो जाता है ठीक है जैसा कि सब स्टूडेंट आप लोग जानते हैं ठीक है इस लेवल पर आप लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट आई थिंक बीएससी पास आउट होते हैं ठीक है दूसरी चीज है बैक्टर आपको हम बताएं इसलिए कहते हैं कि फिजिक्स एक तैयारी ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी होती है कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है कौन सा बाद में पढ़ना है ये भी मैटर करता है जैसे आप इलेक्ट्रोस्टेटिक है इलेक्ट्रोस्टेटिक है और मैनीटेज है मतलब चुंबकत्व है और वैद्युत है ऐसे टॉपिक में आप वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो आपका न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन होगी वो लॉन्ग टाइम टेकन हो जाएगी और ये आप खुद इस चीज को नोटिस करेंगे ये होता है जैसे आप वेक्टर का अप्रोच नहीं डेवलप करोगे तो टाइम ज्यादा लगता है ठीक है जैसे कोलाम है, आप पोर्शन जो होता है ट्वेल्थ का मतलब है सेकेंड पेपर जो आपका रहता है उसमें बहुत सारे चीजें वेक्टर फॉर्म में हर फार्मूला दो फॉर्म में होता है एक स्केलर फॉर्म एक वेक्टर फॉर्म और कभी कभी स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म का डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है इसलिए वेक्टर अप्रोच बहुत जरूरी है स्टूडेंट एप्रोच आपको इसलिए वेक्टर टॉपिक ये नहीं कह रहे वेक्टर आपको एडवांस मैथ का वेक्टर पढ़ना लेकिन बेसिक नॉलेज और ये आपका सिलेबस में वेक्टर रहता है तीसरा है मेजरमेंट जैसे मेजरमेंट का यूनिट डायमेंशन और इसके मात्रक बीमा एक कामन चीज होती है आजकल जो ट्रेंड है क्वेश्चन का एक फार्मूला बेस मात्रक बीमा पूछी जा रही है फार्मूला बेस का मतलब है जैसे कुलाम चला है पूरा एक पूरा फार्मूला दे देगा उसको एक बीमी सूत्र उसका पूछ लेगा तो कहीं ना कहीं एक फार्मूला में टू दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का कंबाइंड जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी का तुल्यांकी होता है इक्व होता है जिससे हम बीमा और मात्रक आसानी से निकाल लेते हैं ठीक है तो इसके बारे में हम अप्रोच बताएंगे यार क्योंकि आज हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं कि एक टीजीटी पीजीटी के एक बेहतरीन तैयारी शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चीजें शुरुआत में पढ़ना चाहिए आज वो उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं तो देखिए आज हम कुछ अप्रोच बताएंगे जैसे अप्रोच है ये, जैसे ये मैथमेटिक्स अप्रोच है हम ये बात करें जैसे मैथमेटिक्स अप्रोच है अप्रोच अप्रोच का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे अप्रोच कर जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं रिलेशन होते हैं जैसे मोशन है मोशन है मोशन में क्या होता है जैसे एक समान गति एक समान त्वरित गति आखिर ये हम कैसे आप पता करते हैं कथन कथन के क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह की मोशन है इस तरह का त्वरण है ये ऐसा समीकरण है दो भौतिक राशियों के बीच का रिलेशन है रिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन जैसे होता है रिलेशन बिटवीन टू बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी टू फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटीज बहुत मैटर करता है स्टूडेंट दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन दो तरह का होता है एक मैथमेटिकल रिलेशन एक होता है ग्राफिकल रिलेशन कभी कभी ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन में कथन बनाने के लिए आ जाएंगे या आपको कह देगा कि ये यदि ये फिजिकल क्वांटिटी ये, ये भौतिक राश बढ़ती है तो दूसरी भौतिक राश किस तरह बढ़ती है और आपके पूरे फिजिक्स में क्या है ला है कहीं ना कहीं फिजिक्स में ला होते हैं और ला क्या बनाते हैं स्टूडेंट फार्मूला बनाते हैं और फार्मूला में क्या होती है दो या दो से अधिक भौतिक राशियां शामिल होती हैं और जब हम एक भौतिक राशि को एक फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करते हैं स्टूडेंट तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज होती है ये ऐसे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे देखे हैं हमने कि वेन एवर वन फिजिकल क्वांटिटी चेंज या इंक्रीजिंग बढ़ती है तो एन फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज होगी कैसे चेंज होगी या तो बढ़ेगी या घटेगी या वही कही रहेगी ये आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसके लिए कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जो मैथमेटिकली जो बेसिक मैथ के में यूज़ होते हैं जैसे हम रिलेशन बताएं हैं जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी वाई है और ये इस तरह रिलेटेड है क्योंकि आपको मैथ वैसे नहीं पढ़ना है एक सिंपल उसका एप्लीकेशन कैसे बेसिक मैथ का अनुप्रयोग करते हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट जैसे हम कहें कि एक फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी एक्स से किस तरह से संबंधित है कहते वाई समान समानुपाती एक्स के घात जीरो तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या होता है इसका स्टूडेंट मतलब ये होता है कि वाई एक्स पर निर्भय नहीं करते ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आप खुद देखोगे जब आप टीजीटी चाहे जितने इससे हायर एजुकेशन के भी एग्जाम देंगे तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका मतलब है X को घटाओ या बढ़ाओ एक्स को चेंज करो वाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा ये क्या है मैथमेटिकली एक समीकरण बन गया यानी ये मैथमेटिकली रिलेशन है तो इसका ये मैथमेटिकली रिलेशन है वाई कॉन्स्टेंट है y स्टूडेंट कॉन्स्टेंट वाई कॉन्स्टेंट का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि वाई एक्स पर डिपेंड नहीं करता एक्स को चेंज करेंगे y में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब y आपका y यानी नियत है कॉन्स्टेंट है इसको हम क्या करते हैं मैथमेटिकली और ग्राफिकली वे में देखा जाए तो देखिए ग्राफिकली वे में ये होता है ठीक है मतलब ये मैथमेटिकली रिलेशन है स्टूडेंट ये ग्राफिकली रिलेशन है यदि आप ग्राफिकली जैसे अभी आपके एक बीमी गति रेखी गति में यानी शब्द मोशन है टीजी में मोशन शब्द से आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है पीजीटी में तो मोशन में बहुत सारे ग्राफिकली चीजें रहती है कि आपके पोजिशन टाइमग्राफ वेलुसिटी टाइमग्राफ तोरण टाइमग्राफ एक्सलेशन ग्राफ दिए रहते हैं तो यदि ग्राफिकली दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में स्टूडेंट ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ से आप कैसे क्योंकि ग्राफ में दो भौतिक राशियां ली जाती हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी ली जाती है एक वाई एक एक्स यदि हम इसको क्या कहेंगे वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहेंगे और को एक्स एक्सिस कहेंगे जैसे हम कहते हैं कि यदि एक अक्षिस के पैरल है तो दूसरे के दूसरे के लंबत होगा तो जिसके लंबत होता है वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है और जिसके समांतर होता है वो फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल होती है वेरिएबल का मतलब है चेंज होना इसका मतलब एक्स वेरिएबल है वाई कांस्टेंट है एक्स चेंज हो रहा है लेकिन वाई कांस्टेंट जैसे रिलेशन हम कहें जैसे आप मोशन में आप टॉपिक कौन सा आएगा टीजीटी पीजीटी में मोशन मोशन में आप पढ़ोगे हम देखिए एग्जाम्पल दे दें ऐसे में बच्चों स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं सर ये मैथ का पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इसका आखिर सर ने फिजिक्स वाले टीचर ने कैसे ये इसका रिलेशन हमें कैसे यूजफुल है तो हम बताएं जैसे मोशन में है और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हो और चार ऑप्शन में एक सही आप आसानी से पकड़ सकते हो ऑप्शन तो ये क्योंकि ये भी एक स्किल है कि कैसे चार ऑप्शन में जल्दी से आपका आंसर निकल आए ठीक है तो इसमें यह कंसेप्ट बहुत यूज करता है जैसे मोशन में क्या होता है मोशन में देखा जाता है एक पोजिशन स्थित वेग यानी वेलोसिटी एक्सलरेशन यानी त्वरण ये टाइम के रिस्पेक्ट हम देखते हैं यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे स्थित चाहे वेग चाहे त्वरण टाइम पर डिपेंड करता है टाइम के साथ चेंज होता है तो वेरिएबल है चर है और यदि कोई फिजिकल क्वांटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है यानी टाइम आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी वही का वही बनी हुई है वही कॉन्स्टेंट है तो कहेंगे टाइम पर वो फिजिकल क्वांटिटी निर्भर नहीं करती दैट फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट टू टाइम तो उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं नियत है ठीक है तो यहां जैसे हम लिख दिए ये वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्टूडेंट वेलोसिटी यानी वेग टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो बैलूसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब किस तरह की मोशन होती है आए हुए क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मोशन कौन सी मोशन है यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति अब क्वेश्चन आता है एक समान गति की कंडीशन क्या है ऐसे मोशन जिसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है और ये आपके सिलेबस में दिए गए ठीक है तो यूनिफॉर्म मोशन ये आप मैथमेटिकली ऐसा कह सकते हैं कि यदि बेग टाइम के जीरो घात के समान पाती है तो ऐसी गति में बेग टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और जब किसी वस्तु का बेग स्थिर है तो ऐसी मोशन एक समान गति कहते हैं ठीक है गति का मतलब बेग और एक समान का मतलब कॉन्स्टेंट ठीक है यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है और ग्राफिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहा जाता है स्टूडेंट कि निम्नलिखित दिए गया कौन सा ग्राफ दिया गया कौन सा ग्राफ एक समान गति का है यानी यूनिफॉर्म मोशन का है तो आप देखोगे यदि वेग और टाइम ग्राफ इस तरह है कि टाइम एक्सिस के समांतर रेखा है और वेलोसिटी के लंबवत रेखा है इसका मतलब है देखो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ब्रेक वही का वही बना हुआ है यानी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसको कहेंगे एक समान गति स्टूडेंट क्लियर है बहुत अच्छा कंसेप्ट है ट्रिकी चीजें है जैसे ये ट्रिक बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमने कहा नहीं मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स और आपके जो एग्जाम प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखा गया तो ऑलमोस्ट 85, 90 परसेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के लिए स्पीड बहुत बेहतरीन होना चाहिए स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो है एक बार क्वेश्चन पेपर कर लें और दोबारा कुछ समय बचा रहे उसको रिव्यू कर सकते हैं या पहले एक स्टडी बनाकर एग्जाम हाल में उतरना है तो पहले आपको क्या करना है पहले आपको जो पर कॉन्फिडेंस है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो जो जिसमें बहुत ज़्यादा लेबोरियस नहीं है टिपिकल नहीं है जो जो क्वेश्चन में आप उलझ नहीं सकते हैं वो पहले आपको क्वेश्चन करना है इसके बाद टाइम युद्ध बचता है तो हर एग्जाम में पांच परसेंट दस परसेंट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते हैं, तो आपको ट्राई लास्ट में उन पर भी कर सकते हैं लेकिन तभी ट्राई करेंगे जब हमारे एवरेज क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन और थोड़ा मीडियम टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके होते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि चलिए हम ट्राई कर लेते हैं और टिपिकल क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं तो ऐसे स्ट्रेटजी बनाकर हमें टीजीटी पीजीटी या हायर जो एजुकेशन के एग्जाम है उसको हम क्रैक कर सकते हैं इसके लिए आपको हेल्प जो आज हम बता रहे हैं कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स हैं टूल्स का मतलब वही होता है जैसे पुर्जे होते हैं स्टूडेंट एक मशीन है उसके पुर्जे अच्छी क्वालिटी के हैं तो मशीन ऑटोमेटिकली अच्छा वर्क करेगी और ये टूल्स खराब है तो मशीन वर्क नहीं है ऐसे स्टूडेंट फिजिक्स में होता है फिजिक्स में टूल्स होते हैं कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के रूल होते हैं और वही रूल्स एक रूल्स आपको कई जगह अप्लाई कर सकते हैं जैसे ये रूल बन गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के जीरो घात के समान पाती है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज तो चले ये रूल और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं जैसे जैसे हम बात करें जैसे यदि कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि एक्सलेशन जिसको ए से हम डिनोट करते हैं एक्सलेशन समान पाती है के घात जीरो के तो इसका मतलब है एक्सलरेशन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन नियत है यानी नियत त्वरण से वो वस्तु चल रही है और इसको कहते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी एक समान त्वरित गति स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो t के घात 0 के समान पाती होगी उसको हम एक समान शब्द यूज करेंगे बेग है तो एक समान गति क्योंकि मोशन को गति कहते हैं त्वरण है तो एक समान त्वरित गति ठीक है और इसी तरह भी है ये बहुत आपके कई जो एग्जाम में यह आता है एटी ग्राफ़ कहते हैं इसको क्या कहते हैं टाइम ग्राफ़। यदि यदिशन टाइम ग्राफ ऐसे टाइम एक्सिस के पैर है हमारा एक ही लाइन में कहना है क्योंकि एक मोशन शब्द है और मोशन में बहुत ऐसा नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सिलेबस में इन्वॉल्व है शामिल है टीजीटी पीजीटी के लिए यदि कोई टाइम के सापेक्ष हम गणितीय रूप में मैथमेटिकली लिखते हैं तो टी के घात जीरो आए या ग्राफिकली ग्राफ में ग्राफ टाइम एक्सेस के समांतर रेखा होती है तो वो फिजिकल क्वांटिटी टाइम पर निर्भर नहीं करती वो नियत रहती है ये ट्रिक आपका काम आएगा और हम ये कहेंगे केवल आपका यही मोशन में नहीं है ये एप्लीकेशन आप सोचो सर ने बताया ये केवल मोशन में यूजफुल है ऐसा नहीं है और भी टॉपिक में यूजफुल है जैसे हम कहें जैसे आप देखते हो दूसरा एप्लीकेशन हम बता दें बड़ी अच्छी ट्रिक चीज है जैसे सिंपल पेंडुलम में स्टूडेंट इन सिंपल पैंडला सब स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं सरल लोलक आप जानते हो सरल लोलक में क्या है एक धागा होता है धागे में एक छोर को किसी रिजिड सपोर्ट से बांध दे और दूसरे छोर में एक द्रव्यमान एम मास का एक गोलक को लटकाकर एक तरफ खींच के छोड़ देंगे तो ये दोलन गज करता है ये सब जानते हैं इसका आवर्तकाल स्टूडेंट इसका आवर्तकाल का, 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 का फार्मूला ये होता है ये होता है ठीक है आवर्त काल का फार्मूला ये होता है तो यहां कहीं ना कहीं आपके ये भी जानकारी हो ये लिखा रहता है मैथमेटिकली ये रिलेशन लिखा रहता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है सरल लोलक में सिंपल पेंडुलम में जो आवर्त काल है टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी यानी सरल लोलक का आवर्थ काल स्टूडेंट जो वस्तु दोलन कर रही है उसके द्रव्यमान पर निर्भय नहीं करता देखिए मैथमेटिकल मैथमेटिकल बाय चांस कभी आ गया कभी आप लोग क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी हमें एग्जाम हाल से पेपर हम देते हैं और बाहर आते हैं तो हम ये कहते हैं अरे कुछ तो क्वेश्चन बाहर से आ गए ऐसा नहीं होता बाहर से नहीं होता उसमें क्या है उसी चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो क्या है अप्रोच ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी कहीं ना कहीं अप्रोच सही नहीं आप ए, करते हो जिससे क्या है आप ऑब्जेक्टिव टाइप के चार ऑप्शन में पहुंच नहीं पाते हो लैक ऑफ अप्रोचिंग इन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन ये रीजन होता है कि आप चार ऑप्शन को ग्राफिकली मैथमेटिकली या कथन uh, टाइप के क्वेश्चन आप पकड़ क्यों आपकी लूज रहती है इसके पीछे यही है कि आप एक सही सीक्वेंस सही अप्रोच में आपको आपने पढ़ा नहीं है तैयारी नहीं किया वही माइंडसेट जो आपका पुराना रहता है माइंडसेट जैसे स्कूल कॉलेज का रहता है सब्जेक्टिव एग्जाम का रहता है तो उससे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जो क्रैक करने में थोड़ी आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर रहता है आप क्वेश्चन को जितने लाइन में जितने टाइम में सॉल्व करना चाहिए उससे दोगुना, तिगुना, चार चार गुना कई स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए एक तरह के ये छोटे छोटे जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं स्टूडेंट ये बहुत अनप्रयोगी होते अनप्रयोग होते हैं और इनका आपको इनको तो लर्न करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा तभी आपकी तैयारी में एक कंसोलिडेट प्रिपरेशन होती है एक अच्छी प्रिपरेशन मानी जाती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को अपने एग्जाम ओरिएंटेड एक मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं और एक तय समय में आप उस क्वेश्चन को पूरा अटैम्प करते हैं और सॉल्व करते हैं तभी कहते हैं कि आपकी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन तैयारी में पहुंच चुके हैं और यदि आप एक क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का उठाते हैं और एक एक लंबे समय में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ देर बाद रेस्ट ले लेंगे तैयारी में में क्या होता है टाइम मैनेजमेंट में, में आपकी आदत क्या है स्लो बना देता है इससे क्या होता है क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाते हैं ठीक है तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको क्योंकि आज हम बेसिक एक कंसेप्ट आपको अप्रोच बना रहे हैं कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम को क्रैक करेंगे हमने आपको बताया कि एक फिजिकल क्वांटिटी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए हैं और बहुत सारे हमारे पास कंसेप्ट रहते हैं जब हम बैच हर चैप्टर में देखिए हर चैप्टर का एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम क्रैक करने के लिए एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है तो हर चैप्टर को जब हम बैच में पढ़ाते हैं तो एक उस लेवल से शुरुआत करते हैं कि आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप में चार ऑप्शन में आप पहुंच सकते हैं और कुछ तो ऐसे चैप्टर में हम बताएंगे कि आप पढ़ोगे क्वेश्चन और तुरंत जीरो रफ वर्क से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में ऑब्जर्वेशन के होते हैं आप क्वेश्चन देखते ही आप उनका टाइम टेकन लगभग नेगलिजेबल है नगण्य है और यहीं से आप एक टाइम को बचाकर जो कुछ लेंदी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन में वही समय आप इन्वेस्ट करके यूज करके आप एक पूरा फिजिक्स क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं और आपको ये लगता है कि टाइम की कमी नहीं है हमने आसानी से पेपर सॉल्व कर लिया। यदि ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें कोई ज्यादा रफ वर्क नहीं करना है कई स्टूडेंट है गलत अप्रोच होती है गलत मेथड होती है ठीक है कभी कभी आप मार्केट से बुक लाते हैं और पीछे हिंट में भी बड़े लॉन्ग हमने देखा है इतने सालों से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन करवाया है कभी कभी आपके जो प्रैक्टिस गाइड आती है उसमें पीछे भी वो पूरी कॉपी रहती है एक लॉन्ग मेथड से उसी की कॉपी आप करके चलते हो और जो क्वेश्चन आपको एक लाइन में सॉल्व होना है एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप गलत फार्मूला यूज करते हैं फिर एक फार्मूला के बाद दूसरा फार्मूला दो तीन फार्मूला यूज कर डालते हो जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर होता है और काफ़ी चीज़ें आप क्या हो जाते हो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो जब होता क्या है कि जब हमारे प्रेशर रहता है दिमाग में कि काफी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं हमारे यहाँ क्वेश्चन हुए तो फिर आप हड़बड़ी में भी कुछ स्टूडेंट गलतियां करते हैं तो इससे हम आज यही बताएंगे कि थोड़ा ट्रिक आपको सीखना है ये आज तो एक छोटी सी ट्रिक हम बता रहे हैं और हर चैप्टर में हमारी एक ट्रिक होती है एक टाइम मैनेजमेंट की एक स्किल हम लोग बताते हैं कैसे हर चैप्टर को एक आसानी से एक मैपिंग करके आप फार्मूला बेस एक तैयार कर सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आप माइक्रो मैनेजमेंट करके आप एग्जाम को एक कम समय में क्रैक कर सकते हैं चलिए इसमें और भी हम चीजें हैं आता है जैसे ये हो गया सरल लोलक में आवर्तकाल मैथमेटिकली मास पर डिपेंड नहीं करता तो इसको गणती रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं ये भी ऑप्शन में दे सकता है कि निम्नलिखित सरल लोलक के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है तो कभी-कभी यह देगा आवर्तकाल समानुपाती है m के घात 0 तो हम इसको निष्कर्ष क्या निकालेंगे कथन में भी दे सकता है कि सरल लोलक में जो आवर्त काल है दोलन करते हुए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भय नहीं करता और भी हमारे पास कई हर चैप्टर में एक कंसेप्ट है और स्टूडेंट पूरे फिजिक्स के हर चैप्टर में ये यूज़ होगा। जैसे यहां तक ग्राविटेशन देखो स्टूडेंट ग्राविटेशन बहुत ज्यादा टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है।, है कि क्वेश्चन आना है जैसे एक होता है एक सैटेलाइट होता है एक उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर घूमता है ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लानिट एक, एक प्लैनेट के चारों ओर एक सैटेलाइट घूमता है जिस तरह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है उसी तरह सैटेलाइट एक, एक ग्रह के चारों ओर घूमता है तो जब घूमता है तो उसकी एक स्पीड होती है जिसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं तो ऐसा लिखा रहता है आर्बिटल स्पीड ऐसे लिखा रहेगा आप ऐसे नोटिस करें इसका मतलब क्या है स्टूडेंट वही मतलब है देखिए एक ही कंसेप्ट इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट की जो आर्बिटल स्पीड है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है यह आपने जो स्टूडेंट चैप्टर पढ़े हैं वो ये जानते हैं और इससे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर यानी पृथ्वी एक ग्रह है स्पेस क्राफ्ट चक्कर लगा रहा है यदि कोई भी चीज निकलती है चम्मच स्पून निकलती है चम्मच निकलती है तो उसी आर्बिट में चम्मच भी उसी स्पीड से चक्कर लगाएगी क्योंकि एक आर्बिट में एक स्पीड होती है और जो उस आर्बिट में जो वस्तु घूम रही है या सैटेलाइट कोई भी है तो उसके द्रमांड पर वो स्पीड निर्भय नहीं करती तो ये कंसेप्ट है एक देखिए ये लिखा रहता है वीई -E का मतलब क्या है स्टूडेंट वीई -E का मतलब है स्केप वेलोसिटी आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में स्केप वेलोसिटी स्केप का मतलब क्या है प्लान करना किसी वस्तु को हमें फेंकना है और इतनी स्पीड से फेंकना है कि वो वस्तु दोबारा उस प्लानिट यानी पृथ्वी पर नहीं लौटेगी तो एक न्यूनतम दी गई स्पीड किसी वस्तु में जो उस प्लानिट के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाए उसको कहते हैं स्कैप वेलोसिटी है। बच्चों इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है स्कैप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ स्कैपिंग बॉडी जिस वस्तु को हमने फेंका है उसकी स्कैप वेलोसिटी यानी उसको दी गई स्पीड उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती ये क्वेश्चन कई बार आता है इसका मतलब यह हुआ कि आप दस, जैसे की से दस किलो की वस्तु फेंको या बीस किलो की वस्तु फेंको दोनों की इस पे स्केप वेलोसिटी जो होगी दशमलव दो किलोमीटर पर आवर होगी यानी प्लान करने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर स्केप वेलोसिटी निर्भर नहीं करती देखो यही रूल्स काम आ रहा है अब तो समझ में आ गया होगा तो एक हम आपको एक बेसिक अप्रोच बता रहे हैं कि कैसे बेसिक मैथमेटिक्स का रोल रहता है फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है तो ये रूल जहां भी है अभी आपको एसी सर्किट हर टॉपिक में इसका यूज है हर टॉपिक में जैसे एक होता है एसी सर्किट एसी में क्या होता है एल सी आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए एल सी आर श्रेणी क्रम में हुआ है तो वहां एक होता क्या है जैसे हम कहें कि एक एलसीआर सर्किट में ये जैसे आप पढ़ते होंगे ये रेजिस्टेंस है ये है, ये है, ये इंडक्टेंस है 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 कैपेसिटेंस ये एसी वोल्टेज लगाया गया एसी वोल्टेज लगाया गया ये क्या होता है एक्स एल ये एक्सी ठीक है देखिए हमारा एक आज पढ़ाने का मतलब है आज आपको कुछ अनुभव देने का मतलब है कि कई आज स्टूडेंट ये देखेंगे हमारा ये तो उनको ये लगेगा अभी तक जैसे तैयारी करते हैं पुराने ढर्रे से तैयारी करते हैं कन्वेंशनल मेथड से है फिजिक्स एक तैयारी एक ऐसी होती है कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यू हैव टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप सीढ़िया बाई सीढ़ी चढ़ना है यानी कौन से आपके बेसिक्स से पढ़ना है और टॉप में जाना है टिपिकल चीजें सीखना है आप टिपिकल पहले पढ़ोगे तो उससे क्या होता है उलझते हो फ्रस्ट्रेशन होता है ये लगता है ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता फिर आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट से कम होता है यदि आप लर्निंग प्रॉपर एक वे में लर्निंग करोगे फिजिक्स की तो उससे क्या होता है पहली सीढ़ी बेसिक पढ़ना है फिर इसके बाद धीरे धीरे हर चैप्टर में ये भी मैटर करता है एक चैप्टर में भी आपको सब डिवाइड करना है कि ऐसे आपको एक सिंपल क्वेश्चन फिर मॉडरेट क्वेश्चन फिर टिपिकल क्वेश्चन करना है तभी आपको एक तैयारी में परफेक्शन आता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अपने में तभी आपको लगता है एक कॉन्फिडेंस बनता है तभी आप फिर क्या करते हो पूरे क्वेश्चन का एक रिव्यू करते हो कि हमारा पूरा पार्ट जो है फिजिक्स का आप प्रिपेयर हो गया यही हमारा है कि आपको आज क्योंकि आज केवल यही बताएंगे एक अप्रोच बता रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक बेसिक से टिपिकल में जाना है दूसरी चीज है एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना है हमने ये आपको बताया क्योंकि पॉइंट है है आज के प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है यह बहुत फिजिक्स में टीजीटी पीजीटी तैयारी में माने रखता है यह हमारी आपको बात लेना जैसे हमने कहा कि एक कंसेप्ट हमने दिया है एक छोटा सा कंसेप्ट आज के बाद आपको आ जाएगा कैसे एक छोटी सी चीज होती है आप एक छोटी चीज को इग्नोर करते हैं तो कितना वो अवॉइड करना एक छोटी सी चीज में फिर एक बड़ी सी चीज भी आप नहीं कर पाते हो देखिए एसी सर्किट में कहा जाता है कि रेजिस्टेंस ऐसे लेकर जैसे वोल्टेज है एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज हमने एसी सर्किट में लगाया है एसी वोल्टेज का मतलब है एक आवृत्ति होती है फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा ओमेगा एक फ्रिक्वेंसी है एसी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज की जो हमारे घर में आती है घर में आती है एसी वोल्टेज सप्लाई घर में तो जैसे एसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी और ऐसे लिखा रहता है इसका मतलब क्या है जो रेजिस्टेंस है वो ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता जैसे आप अनुनाद की स्थिति श्रेणी क्रम अनुनाद में यानी रिजोनेंस स्टेट में पढ़ते हो ओमेगा को चेंज कर करोगे ओमेगा वेरिएबल यानी एसी वोल्टेज एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को हम सप्लाई कर रहे हैं ओमेगा चेंज कर रहे हैं तो एक्सएल चेंज होगा एक्सी चेंज होगा क्योंकि एक्सएल अभी देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा होता है और एक्सी जो एक्सी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा होता है यानी ये एल का जो प्रतिरोध है जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं सी का प्रतिरोध जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये ओमेगा पर निर्भर करता है लेकिन आर का मान ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता तो हम मैथमेटिकली गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं आर समान पाती ओमेगा की घात जीरो तो हमारी अप्रोच आपको समझ में आ गई पहली अप्रोच कि कुछ ऐसे मैथमेटिकली रिलेशन होते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के जो होल हर चैप्टर में पूरी फिजिक्स में आपको काम आना जैसा हम जैसे ये बैस शुरू करते हैं तो हर चैप्टर में इंडिविजुअली चैप्टर में हम रिलेशन यानी दो फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी तो दूसरी कैसे चेंज होगी क्योंकि चेंज का मतलब है बदलना और बदलने में कई आपको कथनात्मक क्वेश्चन आते हैं कि कैसे बदलती है रेखी लीनियरली या आ रेखी नॉन लीनियरली ये कथन टाइप के आते हैं ठीक है तो खैर आज इतना बता पाना मुश्किल लेकिन मैन मैन आपको बता देते हैं थोड़ा आपको ये एहसास करा दें कि एक फिजिक्स की सब्जेक्ट की तैयारी एक प्रॉपर वे में चलना बहुत जरूरी है आप रैंडम टर्बोलेंट तरीके से फिजिक्स सब्जेक्ट को आप एक बेहतरीन ढंग से तैयारी नहीं कर सकते आप जिक जॉग जैसे होता नहीं है कि आप सोचो कि ये पह, बाद वाले शुरू करो बैक्टर आपको नॉलेज नहीं है बैक्टर की ट्रिक नहीं मालूम है बैक्टर अप्रोच अच्छी नहीं है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सोचो कि हम इलेक्ट्रो का न्यूमेरिकल पार्ट कर लेंगे नहीं अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो बीएससी में करना अलग चीज होती है बीएससी में एक दो पेज में और लेकिन यहां ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कम समय में सॉल्व करना होता है ठीक है तो इसमें देखिए ये ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी हम एक और अप्रोच बताते हैं आप सोचे होंगे सर ये हमारी अप्रोच कोई भी क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व करने में बहुत मददगार होती है जैसे आपका देखो एलजेब्रा पढ़ के आते हैं मैं एल्जेब्रा में देखिए ये होता है एक फार्मूला होता है देखिए ये जैसे ये फार्मूला होता है ये दीघास समीकरण होता है ये एक दीघास समीकरण होता है और ये दीघा समीकरण में एक्स के दो मान होंगे स्टूडेंट एक्स के दो मान होंगे जैसे दो मान मान लो एक्स कहते नहीं है मान लो एक्स वन एक्स टू दो वैल्यू है इसकी एक्स की दो वैल्यू होंगी, एक्स वन और या क्या होगा एंड एक्स टू यानी दो वैल्यू होगी तो होता है माइनस बी है, और एक्स वन एक्स टू सी अपाने आपने पढ़ा होगा बीज गणित में ये कंसेप्ट बहुत यूज होता है ठीक है अब कहोगे सर ये मैथ की चीज है हमारे फिजिक्स में कैसे यूजफुल होगा बहुत यूजफुल होगा जैसे एक पढ़ते हैं मोशन मोशन का मतलब है एक रेखीय गति या एक प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति आपके टीजीटी पीजीटी में चैप्टर है जैसे हम कहें कि एक बॉडी को हमने फेंका एक बॉडी है यू स्पीड से फेंका एक बॉल को हम स्टूडेंट ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं तो बॉडी क्या होती है ऊपर जाती है चढ़ती जाती है और इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है क्योंकि मंदन गति होती है मंदन गति होती है जैसे ही टी बराबर जीरो पर यहां से चलना शुरू करती है और ये ऐसे जाएगी मान लो यहां ए पहुंची कितने समय में टी बराबर टी वन समय में और फिर ये हाइजेस्ट पॉइंट पहुंचती है टी बराबर टी वन सेकेंड में स्टूडेंट देखना ये टी समय में इसका बेक सुन हो गया यह सबसे उच्चतम बिंदु है फिर क्या होगा ऊपर जा रही है इसको एसेंडिंग मोशन भी कहते हैं फिर यह नीचे लौटेगी जैसे नीचे लौटेगी तो नीचे लौटने का मतलब यह है कि फिर यह यहां आएगी इसी लेवल पर आएगी ऐसे कम बैक होगी फिर, फिर यहां आएगी फिर यहां आएगी इसी जगह से आएगी और टी बराबर टी टू और फिर यहां आएगी फिर यहां आएगी टी बराबर टी से देखिए एक हम बॉल को या पत्थर को ऊपर फेंकते हैं स्टूडेंट तो एक पोजीशन पर एक हाइट पर दो बार गुजरती है एक जाते समय एक उतरते समय तो दो क्षण होंगे दो क्षण होंगे एक जाते वक्त टी वन सेकेंड में h ऊंचाई पर है टी वन सेकेंड में h ऊंचाई पर है और एक उतरते समय भी उसी जगह से गुजरी है लेकिन वो समय ज्यादा है वो टी टू सेकेंड में है इस कंसेप्ट को समझना तो यहां क्या बनेगा यहां जब हम ये इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट ये इक्वेशन बनाएंगे यू टी माइनस हाफ जी टी बनाएंगे, ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा ये होगा जी टी स्क्वायर और जी टी स्क्वायर और टू यू टी और प्लस टू एच बराबर जीरो ये बनेगा तो ये एक दीघास समीकरण होगा ये एक दीघास समीकरण होगा दीघास समीकरण होगा जी टी स्क्वायर ये क्या होगा जी टी स्क् माइनस टू यू टू प्लस टू एच बराबर जीरो बिल्कुल इसी तरह तुलना करें हम इसी से तुलना करें देखिए ये आपका इक्वेशन जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच बराबर जीरो टी का दीघास समीकरण है यानी एच हाइट दो छड़ पर है एक t1 वन सेकेंड एक t2 टू सेकेंड तो यहां हम देखिए इसका कितना बढ़िया यूज कर सकते हैं। ये कितना बढ़िया यूज कर दे और बढ़िया क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी के बन सकते हैं और कम समय में सॉल्व हो जाएंगे देखिए आपका क्या हो जाएगा देखिए एक हो जाएगा t1 वन प्लस टी और ये हो जाएगा 2h एच अपॉन जी क्योंकि ये तुलना करें तो C क्या है 2H है और B क्या है माइनस टू यू है माइनस टू यू है तो यहां क्या हो जाएगा ये 2H एच अपॉन क्या होता है माइनस बी अपॉन ये क्योंकि यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तो यहां एक तरह का क्या हो गया C यानी आपका दैट इज ये देखिए T1 वन प्लस टी टू टी वन देखिए यहां जैसे एक्स वन माइनस बी माइनस बी का मतलब है कि आपका क्या होता है ये टू यू हां ये आपका क्या हो जाएगा टू यू अपॉन क्या हो जाएगा ए ए क्या है जी ये बन गया रिलेशन ये बन गया ठीक है ये रिलेशन हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा टी वन इंटू टी टू यानी टी वन टी टू का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सी अपॉन यानी सी क्या है सी एक तरह का टू एच है upon G. इसे कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है कई एग्जाम में जैसे आपको यह मालूम है कि कोई यू स्पीड से किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो कितने समय बाद ये जमीन पर लौटेगी उसी जगह टू यू अपॉन जी ये उड्डयन काल होता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है तो एक तरह का ये आपका टी वन प्लस टी टू बराबर हो गया अब जरा सोचिए ऐसे एग्जाम क्वेश्चन में आ गए तो क्या आप इसको कैसे सॉल्व करोगे यदि आप सोचते हो कि आप एक फार्मूला होता है श्री चार फार्मूला होता है कि क्या होता है माइनस बी अंडर रूट प्लस अंडर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर्स ए सी अपॉन टू ए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आधा पेज एक पेज का हो जाएगा और यदि हम एल्जेब्रा का यह कंसेप्ट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है तो ऐसी बेसिक चीजें आपको बहुत हेल्प करती है तो इसलिए हमने एग्जाम्पल दिया जैसे कभी आता है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया एक पॉइंट है एक ऊंचाई है वह दो बार एक ऊंचाई में रहता है एक फोर सेकेंड और एक ट्वेल्व सेकेंड एक चार सेकेंड एक बारह सेकेंड पर एक ही ऊंचाई से गुजरता है या एक ही जगह से गुजरता है स्टूडेंट तो उसका उड्डयन काल क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा तो आपको टी वन चार टी टू दिया है तो आप टी कैपिटल टी उडयन काल निकाल लोगे और ये हो जाएगा 16 सेकेंड ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते बिना टाइम टेकन आसान से इसमें आपको T1, T2 दिया है H ऊंचाई निकालो जहां दो क्षण पर जो चार सेकेंड और बारह सेकेंड में एक ही ऊंचाई पर रहता है वो ग्राउंड से जमीन से कितनी ऊंचाई है H का मान निकाल सकते तो ये छोटे-छोटे जो बेसिक मैथ की कंसेप्ट होती हैं अप्रोच होती हैं आपके एग्जाम में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का आसानी से आपके अप्रोच बनाता है और क्वेश्चन भी आपका जो टाइम जो पांच छह लाइन में सॉल्व करना एक दो लाइन में सॉल्व कर देता है क्लियर है ये तो इस तरह यही कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यूज होता है ठीक है जैसे हम कुछ चीजें बताएं जैसे बैक्टर अप्रोच है बैक्टर अप्रोच है जैसे कुछ बैक्टर अप्रोच बताएं वेक्टर जैसे आप कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं वेक्टर यूज़ करते हो तो कुछ चीजें ऐसे हैं वेक्टर में जो थ्रू आउट होल फिजिक्स पूरी फिजिक्स में उसका यूज होता है चाहे आपका सेकेंड पार्ट हो चाहे फर्स्ट पार्ट हो जैसे दो वेक्टर है दो वेक्टर है ये बराबर होता है ये फार्मूला बहुत यूज होता है थीटा बाई टू और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और टू ए वेक्टर साइन थीटा बाई टू ये कब होता है व्हेन मॉड ए बराबर मॉड बी देखिए फार्मूला ऐसा है कि बहुत ट्रिकी फार्मूला होता है ऐसे दो वेक्टर जो बराबर परिमाण के हैं इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उनका सम का मॉड यानी उनके जोड़ का मॉड किसके बराबर होता है 2 मॉड ए चाहे मॉड ए रखो चाहे मॉड बी कॉस थीटा बाई टू और डिफरेंस का मॉड डिफरेंस का मतलब है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण कॉस की जगह साइन होता है ये दो फार्मूले आपके केवल यही नहीं रिलेटिव मोशन हर जगह यूज होते हैं जैसे दो वेक्टर के बीच में माइनस कहां कहां लगता है बहुत काम आता है दो वेक्टर का अंतर दो वेक्टर वेक्टर का का जोड़, जोड़ भाई दो क्या होता है दो वेक्टर का परामी परिणामी वेक्टर। दो वेक्टर का परिणामी का मतलब है सदिश सम, सम। यानी वेक्टर ये दो वेक्टर के बीच में प्लस लगा है तो उसका मतलब है दोनों वेक्टर का टोटल कर रहे हो रिजल्टेंट निकाल रहे हो जैसे आगे चलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे तो दो चार्ज किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर दो फील्ड बना रहे हैं तो कहेंगे उस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तो आप क्या करोगे वेक्टर सम करोगे ठीक है यदि दोनों फील्ड बराबर मैग्नीट्यूड की हैं तो आप यह ट्रिक यूज करोगे और दो वेक्टर के बीच में माइनस कहां आता है स्टूडेंट दो वेक्टर के बीच में माइनस वहां आता है जैसे परिवर्तन वेक्टर में परिवर्तन स्टूडेंट वेक्टर में परिवर्तन क्या होता है जैसे बेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन ये सब चीजें और रिलेटिव तो आप देखते हो माइनस होता है तो माइनस भी है ये दो वेक्टर के बीच में नेगेटिव है माइनस है और दोनों वेक्टर बराबर परिमाण के हैं तो आपको ट्रिक यूज करना है ठीक है तो ये कभी कभी बहुत काम आता है जैसे हम देखो अक्सर टीजीटी में या पीजीटी में दो वेक्टर के बीच के कोड निकालने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे ये कई एग्जाम में आया है कहीं ना कहीं वेक्टर चैप्टर टीजीटी पीजीटी में है ठीक है और एक कंडीशन लगा देगा कि यदि दो वेक्टर का रिलेशन संबंध इस तरह है तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपने देखे होंगे पिछले पेपरों में तो जैसे आपको यहां भी कंडीशन लगा दिया जैसे एक क्वेश्चन का सैंपल ले ले। इफ देखो ये, ये ये, देन थीटा थीटा का मतलब दोनों वेक्टर के बीच का कोण शॉर्ट में लिख दिया इसका मतलब यह है कि यदि तो थीटा क्या होता है 120 डिग्री यानी 120 का मतलब है 2 पाई बाई थ्री रेडियन ठीक है इसका सेंस क्या है स्टूडेंट ये दो वेक्टर बराबर परिमाण के हैं ये यही कह रहा है दो वेक्टर बराबर परिमाण के हैं और वो जो रिजल्टेंट दे रहे हैं उसका भी प्रमाण उन्हीं के बराबर है तो आखिर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है ए और बी किस एंगल पर लगाए गए हैं कि उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर प्राप्त हो रहा है जैसे एफ एफ न्यूटन के दो बल उनका परिणामी भी एफ न्यूटन तो दिए गए फोर्स के बीच का कोण क्या है uh, 120 ट्वेंटी डिग्री है आपने क्वेश्चन तो क्या कर देना है? सबको बराबर कर देना जैसे इसके बराबर भी देखो एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे ये भी इसके बराबर है। देखो मॉड भाई आप इसकी जगह भी मॉड ए रख सकते हैं क्योंकि ये बराबर ये है तो ये फार्मूला आया है क्योंकि ये देखो, ये देखो फार्मूला तो ये टू ए मॉड और कॉस थीटा बाई टू तो इसको सॉल्व करेंगे ये काटेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू एक बटा दो थीटा बाई टू साठ डिग्री तो थीटा मान एक से बीस बहुत अच्छी ट्रिक होती है यानी बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट यानी हमने आज बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स में कुछ इंट्रोड्यूस किया हमें उम्मीद है कि ये और भी बहुत सारी कंसेप्ट है जब हम लोग पढ़ाते हैं टीजीटी, पीजीटी के लिए तैयारी करवाते हैं तो हर चैप्टर में हम बेसिक अप्रोच से शुरुआत होती है जिससे स्टूडेंट में एक शुरुआत में अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो जाता है और कहते हैं शुरुआत अच्छी होती है तो बाकी सब अच्छा होता है शुरुआत गड़बड़ होगी तो खराब चलिए स्टूडेंट ठीक है तो।